ऑनरेबल चेयरपर्सन, मैं जनरल डिमांड फॉर ग्रांट को समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। आज सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट में, थैंक यू दादा फॉर करेक्शन, मैं समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हूं। आज हिंदुस्तान में मोदी है तो मुमकिन है, ये नारा केवल बाजार में गलियों में नहीं है, इस पार्लियामेंट में भी ये उम्मीद जगाया है। हमारा ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कांग्रेस के मोदी जी को तारीफ करते हुए सुन के मुझे गर्व है कि सदन में भी मोदी है तो मुमकिन है। ये मोदी जी के नेतृत्व में आज हिंदुस्तान में, मैं इसको कहां से शुरू करूं, एक साल पहले कोविड का महामारी में हम सब डरे हुए थे कि हम कैसे जिए, इस देश को कैसे बसाएं। एक 130 करोड़ पॉपुलेशन हिंदुस्तान को कैसे बचाया जाए, यूएसए, यूके, यूरोप कंट्री में जैसे महामारी और मौतें दिखाई दे रहे थे, तो हमारा हम सब का आत्मा भी सूझ चुका था कि हम कैसे करें। हमको पता ही नहीं था पीपीई की क्या है और मास्क क्या चीज है, बहुत लोगों को पता नहीं था, लेकिन मोदी है तो मुमकिन हुआ। एक साल भी पूरा नहीं हुआ, छह महीने के अंदर ही भारत देश पीपीई किट का सप्लायर बन गए और हमारा देश को भी आत्मनिर्भर बनाया और दूसरा देशों को भी हमने पीपीई किट और मास्क सप्लाई करने का ये मौका हासिल किया है। तो मोदी जी का नेतृत्व में हम भारत देश आत्मविश्वास एक जगह है, इसलिए मैं आज आप हेल्थ के बारे में हम बोल रहे थे, हेल्थ में आप पहले हुआ करता था 2000 आपका करोड़ में, आज इस बार 137% इंक्रीज हुआ, 94,452 करोड़ हेल्थ में इन्वेस्टमेंट आप ये हुआ है। और ये कोविड में जैसे कोविड ऐलान हुआ, कोविड का महामारी बढ़ा, हमारा फाइनेंस मिनिस्टर से 15,000 करोड़ इमीडिएट रिलीफ देशभर के लिए, इसमें 15,000 करोड़ उपयोग हम सबको करवाया। और उसके बाद आज इस बजट में 35,000 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। आज इस 35,000 के साथ आज हम इंजेक्शन भी बनाया हुआ है, आज हम सब इंजेक्शन ले रहे हैं और इस सदन में और सदन के बाहर भी, और हम सब इंजेक्शन कोरोना का इंजेक्शन, देश भर का वैक्सीन, देश भर में नहीं, मोर देन 100 अबव कंट्रीज में हम वैक्सीन का सप्लायर बना है। यह आत्मनिर्भर भारत मोदी जी का नेतृत्व में बना है। तो इसलिए आज आप आत्मनिर्भर भारत में 64,180 करोड़ का प्रोविजन हुआ है, ये भी हमारा आत्मनिर्भर भारत। आप आत्मनिर्भर भारत से आगे बढ़ के किचन गार्डन तक मोदी जी ने पहुंचा दिया। ये ऑनरेबल चेयरपर्सन, कभी कभी मोदी जी का नाम लेना भी बहुत तकलीफ हो जाता है, ये तो इंसान नहीं है, ये तो किसी का अवतार है, जिसको आज हम अपना प्रधानमंत्री बनके इस देश को दिशा और दशा में लेके जा रहा है, जिसमें हम हिंदुस्तानियों को गौरव करना चाहिए। आज ऑनरेबल कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जैसे मोदी जी को तारीफ किया, जैसे विश्वास किया, हम सब का आत्मविश्वास अगर एकजुट होता है इस सदन में तो ये आत्मनिर्भर भारत हम सब मिलके अगर हिंदुस्तान में जगाएं, तो हिंदुस्तान तरक्की होगा और हिंदुस्तान आगे ले जाएगा। और आपका रोड में मैं
लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हाउस के नेता को भी मैं बताना चाहूंगा, आज मोदी जी नहीं होता हमारा अरुणाचल प्रदेश में टू लेन को भी दिखाई नहीं देता। आज जसीमोत से आगे मलारी, मलारी से आगे बोरदार तक, बोराहटी बेली तक मैं दो दिन में होके पैदल जाके आए हैं, उस जगह तक रास्ते बनाया है। और हिमाचल से लेके आप काला पानी, काला पानी को हम लोग सुसाता ये अंडमान निकोबर है, लेकिन नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के जो काला पानी वहां तक रास्ता सड़के बनाया, और अभी एक ही रास्ता बनाना बाकी है कि डेमसोक तक। ये जो उसमें हम अपना सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, पांगोंग लेक, सुसुल, थागा, ले से जो डेमसोक जाते हैं वहां हेमिस्फीयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के कारण हम वहां सड़कें बना नहीं सकता, लेकिन देश का हित में, देश का सुरक्षा का हित में हम तागा से लेके डेमसोक तक भी हमको सड़कें बनाने का यह प्रावधान हो, इस कानून को भी हम देखें तो हमारा सिक्योरिटी और आर्म फोर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, ये मैं सोचता हूं। और रोड में हम सबका दादाजी दादा यहां बैठे हैं, कलकत्ता से सिलीगुड़ी तक स्पेशल फोर लेन रोड दादा सेंक्शन हुआ है आपका, हुआ दादा होगा ये सेंक्शन हुआ। और आपके वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल और असम में और त्रिपुरा में और अरुणाचल प्रदेश में टी बागाने हैं, साय बागान के लेबर, साय बागान में जो काम करने वाला है वहां भी तो आत्महत्या कर रहा था, लेकिन हजारों करोड़ मोदी जी ने देखे साय बागान के लेबरों का आत्मविश्वास जगाया, इन लोगों को जीने का हक दिया, और वेस्ट बंगाल जैसे, असम जैसे साय बागान में जो तकलीफें थी इसका एक इरेडिकेशन जो मोदी का नेतृत्व में हुआ, ये एक भगवान का, ये किसी अल्लाह का, किसी का अवतार है, तो उस टी लेबर तक का जीने का हक देने का जो शक्ति है ये मोदी जी ने जैसे किया है ये तारीफ काबिल है। और उसका मैं ऑनरेबल चेयरपर्सन, 70 ईयर्स हुए हमारा अरुणाचल प्रदेश में और पूर्वोत्तर राज्यों में ट्रेन क्या चीज है उसको पता ही नहीं था, लेकिन मोदी जी आने के बाद हमारा अरुणाचल प्रदेश में, अभी मणिपुर में तुरंत वो इनागुरेट होने भी जाएंगे, मिजोरम में रेलवे कनेक्टिविटी हो रहा है अभी हो गए, और मोदी जी ने कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों से साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज को जुड़ना है, इसलिए एक इस पॉलिसी का आधार पे रेलवे कनेक्टिविटी वहां हो रहा है, उसमें 1,10,000 करोड़ का पान एलोकेशन हुआ। आज ये सिक्किम में दार्जिलिंग में एक ब्रिटिश जमाने का एक टॉय ट्रेन था, तो हम लोग सोचा था कि ट्रेन दार्जिलिंग तो कैसे जाते हैं, लेकिन मोदी जी उस टॉय ट्रेन से भी आगे बढ़ के हिमालय में, पहाड़ों में, अभी पूर्वोत्तर राज्यों में, उत्तराखंड में, हिमाचल में जो ट्रेनें एक्सटेंशन हो रहा है ये तारीफ काबिल है। और बाकी यहां मेन लेन में जितना ट्रेन है सुपर फास्ट ट्रेन, इसमें इलेक्ट्रिफिकेशन आगे बढ़ रहा है, डबलिंग लेन आगे बढ़ रहा है, और वाटरवेज जिसको हम सुसाई नहीं था वाटरवेज क्या होता है। आज नितिन गडकरी जी का नेतृत्व में जहां पानी नहीं है वहां भी वाटरवेज का एक वहां हार्बर बना रहा है। आप दादा, आई विल एक्सप्लेन टू यू ऑल्सो जस्ट ए मिनट। तो आज आप देखिए, नहीं इसका सारा प्रविधान दादा ऑनरेबल चेयरपर्सन, हर जगह ये प्रविधान दिया गया है कि वाटर वेस्ट का एक प्रोविजन होगा। आज आप देखिए गंगा में आप तो नेपाल तक वाटर वेस्ट का उपयोग कैसे हो, यहाँ गुड्स एंड पैसेंजर्स मूवमेंट का, और हमारा ब्रह्मपुत्र में बे ऑफ बंगाल से होते हुए, बांग्लादेश होते हुए,
आप तो अरुणाचल प्रदेश तक वाटर वेस्ट का प्रोविजन दिया है और ये मेजर रिवर्स इन द कंट्रीज में वाटर वेस्ट होगा, ये सपना मोदी जी का नेतृत्व में हुआ है और आने वाला काल इस वाटर वेस्ट को भी हम देखेंगे। और ऑनरेबल चेयरपर्सन, डिफेंस हमारा एक बहुत बड़ा एक महत्वपूर्ण एक डिपार्टमेंट है और मिनिस्ट्री है, इसमें 18 डिफेंस में 18.8% इंक्रीज हुआ और इसमें डिफेंस में इतना इंक्रीज होके आज हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर में गुजरात से लेके कश्मीर तक और कश्मीर से लेके अरुणाचल तक जो सेंसर डिफेंस का जो वहां का मूवमेंट एनिमी का मूवमेंट सारा सब और वहां का आने जाने का सहायता जो भी मिलिट्रीज को दिया जाता है वो सब उस डिफेंस प्रोविजंस में है। और काश 1947 का बाद मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर होता, आज अरुणाचल में जो इंडिया चाइना इशू जो है और ले लद्दाख में जो चाइना इशू जो है और जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान का साथ जो इशू जो है, ये इतिहास में नहीं होना था। फिर भी आज मोदी जी होने के कारण एलओसी में हो, एलएसी में हो, मैकमोहन में लाइन में हो, कहीं भी हो, इसका आज 2-लेन हाईवेज इंटरनेशनल बॉर्डर तक जो रास्ता एफर्ट्स जा रहे हैं, ये हमारा देश का हित में है और ये आगे भी बढ़ेंगे। और साथ में आज ये हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री के ओर से एमएसएमई में और या बिग प्रोडक्शन हाउस के लिए आप प्रोडक्शन लिंकेज 1,97,000 करोड़ एलोकेशन हुआ, जिससे प्रोडक्शन यूनिट से या एमएसएमई का जो भी प्रोडक्शन है उसका लिंकेज के लिए इतना 5 एलोकेशन हुआ, ये समाज में और हमारा ये हर प्रदेश में और सोसाइटीज में ये बढ़ावा देंगे। तो इसलिए मैं ऑनरेबल चेयरपर्सन, मैं पूर्वोत्तर राज्यों के ओर मैं जाता हूं, आज आसाम में 4 मेडिकल कॉलेज बनाने का और एम्स 2 एम्स हॉस्पिटल बनाने का जो प्रोविजन और फाउंडेशन भी जो लगाया मोदी सरकार में, मैं इस सदन को बताता हूं, एक्चुअल लैंड लॉक स्टेट पूर्वोत्तर राज्यों में 8 प्रदेश है, इस 8 प्रदेश में ना बांग्लादेश के बिना, ना म्यांमार के बिना, ना भूटान, और ये सब सारा मिलके हम सहयोग करेंगे तो हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। अभी कोविड महामारी के कारण बांग्लादेश से त्रिपुरा तक जो ट्रेन जाने का जो प्रोविजन बना के रखा है, ये शायद जुलाई महीने से ये ट्रेन भी हम कलकत्ता से ढाका होते हुए त्रिपुरा और गुवाहाटी ट्रेन का होगा, और रोड प्रोविजन भी और बे ऑफ बंगाल से त्रिपुरा तक जो इम्पोर्टेंट ब्रिज भी हो गया है, इसमें हम बिजनेस और आगे बढ़ेंगे, पूर्वोत्तर राज्य इधर जुड़ेंगे। तो इसमें हर प्रदेश में मैं चाहूंगा मोदी जी के नेतृत्व में हर प्रदेश में एम्स लाइक हॉस्पिटल पूर्वोत्तर राज्यों में सिक्किम से लेके 7 प्रदेशों में हो, और एक लीगल एस्पेक्ट एंड लीगल जस्टिस एक बहुत बड़ा सोशल इम्पोर्टेंस है। आज हमारा वहां हाई कोर्ट जो है गुवाहाटी में है, एपिलेटेड हाई कोर्ट हर प्रदेश में है, मैं चाहता हूं हमारा भारत सरकार हर प्रदेश में एक एक हाई कोर्ट बना दे, जिसको इमीडिएट लीगल जस्टिफिकेशन वहां अपना प्रदेशों में हो, ये एक बहुत बड़ा डिमांड है। और मैं हैरान हूं ऑनरेबल चेयर पर्सन, अगर मोदी जी नहीं होता हमारा अरुणाचल पासीघाट में एयरपोर्ट नहीं होता, आज कलकत्ता से एयर इंडिया का फ्लाइट हमारा होम टाउन में जाता है, और अभी नागालैंड का एयरपोर्ट भी बढ़ाएंगे, मणिपुर में तो है, आइजोल में है, त्रिपुरा में है, सिक्किम में अरुणाचल जो 70 ईयर्स डिप्राइवेशन हम लोगों ने जो जेला, यही मोदी साहब एक
भगवान का अवतार बन के आके अरुणाचल में एयरपोर्ट जुड़े हम फ्लाइट सर्विस शुरू किए हैं, और सिक्किम में भी आप कोरोना वायरस का कोरोना महामारी के कारण कहीं फ्लाइट रुके हैं, तो इसलिए इस चीज को भी फ्लाइट को भी और भी बढ़ाना है। और इस सदन के ओर से मैं ये कहना चाहूंगा ऑनरेबल चेयरपर्सन, पूर्वोत्तर राज्यों में महाभारत युग से लेकर आज तक हम इतिहास से जुड़े हुए हैं। आज अरुणाचल प्रदेश में परशुराम कुंड है, शिवलिंग है, और द ओल्डेस्ट लासा से सेकेंड मोनेस्ट्री तवांग में है। आप रिलीजियस टूरिज्म में भी, नेचुरल टूरिज्म में भी, पूर्व उत्तर राज्यों में, मणिपुर में कृष्ण लीला जो श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ, असम में अर्जुन का बेटा बपुर बाहन का स्थान, लासित बोरफुकन का, हाँ ये एक टूरिज्म रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूर्व, आप जेनेवा जाने का बजाय या किसी दूसरा कंट्री जाने के बजाय आप पूर्व उत्तर आइए, फ्लाइट का सुविधा हो गया, ट्रेन का सुविधा हो गया, मोदी है तो मुमकिन है, आप हमारा पूर्व उत्तर राज्यों को भी भ्रमण कीजिए। मैं इसी के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे त्रिपुरा हमारा गेटवे होगा, जैसे अभी जुलाई अगस्त महीना से कलकत्ता से ढाका होते हुए अगरतला गुवाहाटी ट्रेन शुरू होगा, इसमें डबल लेंथ रेलवे हो और वहां से हम बे ऑफ बंगाल से होके इजीली पूर्व उत्तर राज्यों में गुड्स वगैरह जो भी बिजनेस है उसको हम आगे ले सकता है, तो इसलिए हर प्रदेश में पूर्व उत्तर राज्यों में आप सबको स्वागत करते हैं। आप रिलीजियस टूरिज्म बनके भी आइए, नेचर टूरिज्म बनके भी आइए, या अपना देश का हिस्सा को भी देखने आइए, तो इसलिए मैं इस दीमानपुर ग्रांट में मैं समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं। थैंक यू चेयरपर्सन।